नेट पे सर्च चल रही है, आप बताइए ना, मैं आपकी नेट भी वहाँ पे जाके भी कम्प्लीट करूंगा कि आपकी कंपनी ऐसे कर रही, फ्रॉड कर रही है। बाकी मैं उसके आरबीआई के पोर्टल पे जाके भी कंप्लीट करूंगा और साइबर क्राइम पे करूंगा, क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी ऐसे एनबीएफसी को ऑथराइजेशन नहीं होती भी किसी के कॉन्टेक्ट को ऐसे हैक करके उनके कॉन्टेक्ट पे कॉल करो, ठीक है ना। ये रिकॉर्डिंग एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी व्यक्ति के मान सम्मान को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में मिल जाएगा। हेलो राजवीर। हाँ जी, कौन बोल रहे हो, आपका नाम? हाँ जी, कहाँ आपका एड्रेस कहाँ का? सेम इंडिया तो है, लोकेशन कहाँ है आपकी? लोकेशन कहाँ की आपकी? सर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, सेम इंडिया के ऐप में जाके चेक कर सकते हो। अच्छा, पहली बात तो ये, ठीक है, मुझे चाहिए लोन एग्रीमेंट जिसमें साफ साफ लिखा हो कि हम कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वो आप सेंड करो। दूसरा ऐसे है, अगर है तो आपकी फ्रॉड ही है ऐप, ठीक है ना। कंपनी किसको कॉल किया गया मुझे बताएंगे? किसको कॉल किया गया बताइए, पेमी इंडिया वालों को किया गया मैंने कॉल? किसको कॉल किया? पेमी इंडिया वालों को कॉल किया आपने? पेमी इंडिया वालों से यहाँ पर है नहीं, आपके किस कॉन्टेक्ट को कॉल किया है आप मुझे बताएंगे सर? मेरे पापा को कॉल किया गया है। पापा को कॉल किया, आपको क्या बोला गया उनसे? उनसे बोला गया भी आप गलत हैं, ऐसे लोन लिया है, हमारी कॉल नहीं उठा रहे, ठीक है। अच्छा। दूसरी बात ये है, उनको क्या संस्कार दिए हैं, ऐसे वैसे बहुत उल्टा सीधा बोला गया उनको, ठीक है। ठीक है, आप एक बात बताइए मुझे उल्टा सीधा, तो चलिए अगर आपके पास रिपोर्टिंग है वो साइन कर दीजिए, आप मेरी बात सुनिए, आपकी लोन की पेमेंट डेट क्या है? वो तो चलो चलो ठीक है, वो मैं मानता हूँ, पर बात सुनिए, बात सुनिए, आपकी कंपनी क्या लीग, आपकी कंपनी लीगल है ऐसे बताइए? लीगल है, लीगल है तो आप लीगल वे से लो ना, ये क्या बात है अभी आपने उठा के कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फोन कर लिया? आपकी एनबीएफसी कौन सी है ये बताओ, आपकी एनबीएफसी कौन सी है? नेट पे सर्च नहीं, आप बताइए ना, मैं आपकी नेट भी वहाँ पे जाके भी कंप्लीट करूंगा कि आपकी कंपनी ऐसे कर रही, फ्रॉड कर रही है। बाकी मैं उसके आरबीआई के पोर्टल पे जाके भी कंप्लीट करूंगा और साइबर क्राइम पे करूंगा, क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी ऐसे एनबीएफसी को ऑथराइजेशन नहीं होती भी किसी के कॉन्टेक्ट को ऐसे हैक करके उनके कॉन्टेक्ट पे कॉल करो, ठीक है ना। ऐसा किसी बैंक को किसी को ऑथराइजेशन नहीं होती, पर आपकी कंपनी तो ऐसे ही है, उठाया कॉल तो लगा दिया, बताइए। जब अगर कस्टमर, मेरी बात सुनोगे अब? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। अगर कस्टमर रिस्पॉन्स करता है ना तो कोई भी किसी के रेफरेंस पे कॉल नहीं करता है, लेकिन अगर कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं करता है ना तो राइट है कॉल करने के सर? ऐसे कोई राइट नहीं है, आप लोन एग्रीमेंट सेंड कीजिए, ऐसा कोई राइट नहीं है, ठीक है ना। वो तो आपकी फ्रॉड कंपनी है, आपने अपना राइट बना लिया खुद से ही, ठीक है। पहली बात तो ये है, ऐसी कोई एनबीएफसी नहीं है, आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई ऐसा नहीं है अभी चक्के उठा के मुंह उठाया लगा दिया है। चाहते हो ना आप लोन लेके बैठ जाओ, कोई रिस्पांस ना दो और कंपनी कुछ भी एक्शन ना ले। रिस्पांस क्या लो, जो जो ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है सबको दिख रहा है, सभी को होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है सर, जो हो रहा है चल रहा है, आपका भी फ्रॉड ही चल रहा है, जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में उठा के फोन कर रहे हो आप। मैं तो वही कंप्लेंट करूंगा, सीधी बात है, कल से मैं फोन कर रहा हूँ आपके उस नंबर पे जो कि बिजी कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसे जो भी कर रहे हैं फोन नहीं उठा रहे, उससे कॉल नहीं लगती है, सिस्टमैटिक कॉल है वो सर, उससे कॉल रिंग तो जा रही है उधर अच्छी वाली। मेरी बात सुनो, व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा रहा है, आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, मैसेज सीन भी कर रहे हैं, उसके बाद भी आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो सर। मैं क्यों सीन करूँ, जैसे आप ऐसे कर रहे हो तो मैं क्यों सीन करूँ, मैं क्यों सीन करूँ? आपने पहले क्यों रिस्पॉन्स नहीं दिया? पहले भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, ठीक है ना। आप चाहे मेरा पुराना वो रिकॉर्ड उठा के देखते हो, जब भी लोग नहीं है मैंने एकदम से क्लियर किया है, आपको आप देख भी सकते हो, वैसे तो आपके पास होगा नहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड। क्या किया? जब भी मैंने लोन लिया मैं उसकी पेमेंट डे टू डे की आपको सेंड किया है, ठीक है ना। दो महीने से क्या कर रहे हो? तो जैसे फ्रॉड चल रहा है उस अकॉर्डिंग से बंदा कैसे पे करेगा बताओ, कौन सा फ्रॉड? बाकी ऊपर से क्या फ्रॉड चल रहा है? मैं और टीवी नहीं देखते, न्यूज चैनल नहीं देखते, तो देखो ना वहाँ पे जाके देखो। आपने फ्रॉड किया लोन लेके?
आपने भी तो फ्रॉड किया ना आप सर लोन ऐसे लेके। ऐसे बताइए, आपका कितने महीने का लोन था ये बताइए, कितने दिनों का लोन था आपका? 88 डेज हो चुके हैं सर आपको लोन लिए थे, दिक्कत पहले सारी कितने कैसी दिन का दूर लोन था? है। 30 दिन का, आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो 30 दिन का है। आपके तो ऐप आप में भी लिखा है कि 90 डे से लेके 180 डे तक, तो आप क्यों 30 दिन का वो दे रहे हो बताओ? ऐसे तो आपके प्ले स्टोर, प्ले स्टोर वहां पे जो गाइडलाइन लिखी आप तो उस पे भी नहीं खड़े उतर रहे। अच्छा कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको टाइम दे दीजिए, आपका जो लोन डेट है जो ड्यू डेट थी आपकी उससे पेमेंट नहीं कर, उससे ना पेमेंट करने के बाद से आपको जितना रंजी टाइम में ले लीजिए है ना, हाँ तो कंपनी को वो तो जीएसटी हमारा मार वो तो है, जैसे 90 डे से 180 डे वो तो हम लेंगे जो वहाँ पे, आप नहीं अपनी उस पे खड़े उतरे हम तो लेंगे उतना दिन, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 30 दिन का तो कोई बनता नहीं है, उधर लिखा भी नहीं हुआ। बाकी अच्छा आप आप बताइए लोन आपकी अमाउंट आपकी जो गाइडलाइन क्या वो है भी ये है वो बताइए। सेंड कीजिए मुझे, ठीक है, लोन एग्रीमेंट और अपनी एनवीएससी का नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। बाकी मैं देखता हूँ जो मैं करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, आप सेंड कीजिए बस। क्या चाहते हो कि पेमेंट आपको कब तक आप पेमेंट करोगे लोन आप? एग्रीमेंट सेंड कीजिए, सीधी बात है, और एनबीएफसी का नाम सेंड कीजिए। मैं लोन एग्रीमेंट अभी सेंड कर दूंगी, बस हाँ मुझे सेंड पेमेंट कीजिए, चाहिए सेंड आपकी बात। कीजिए, आपका वेंचर की प्रॉब्लम ये है एनबीएफसी सर, का नाम और लोन एग्रीमेंट सेंड कीजिए जो आपने बनाया हुआ, ठीक है, वो आपकी मेल आईडी पे भी अभी पहुंच रहा है, लेकिन उसके 10 मिनट भेजो बाद मुझे भेजो। पेमेंट चाहिए सर, मैं पहले उसके बाद जाकर वेरीफाई उसको हो करूंगा जाएगा आरबीआई से, तैयार। उधर से वेरीफाई करूंगा भी ये कंपनी सेटिस्फाई है कि नहीं है, उसके बाद ही होगा जो। क्या वेरीफाई नहीं है, क्यों क्या मैं वेरीफाई वेरीफाई नहीं करूँ? है, मेरा राइट है, मैं वेरीफाई करूंगा जिस उसने हिसाब किया से था तब फ्रॉड तक चल कुछ रहा वेरीफाई क्यों नहीं किया था आपने? है जब लोन लिया था उस टाइम पे कुछ वेरीफाई क्यों नहीं किया था तो आपने? पहले क्या तभी ऐसे फ्रॉड था बताओ? अच्छा अच्छा क्या नहीं, जो है अब वो आपको तो मैं सारी करूंगा, वेरीफाई, ठीक है। लोन लिया उसमें तो आपने कुछ भी वेरीफाई नहीं किया, कितने बार लोन ले चुके हो आप, पहली बार तो कोई लोन लिया नहीं आपने सर फिर है फ्रॉड ना। तो अभी चल रहा है ना, जब चाइना से पैसा आ रहा है उधर उधर जा रहा है, तो इधर से आपका आ रहा कोई है ऐसा कंपनी लोग के। फ्रॉड करने लग गए आपके साथ है ना, मैम सीधी सी बात है, जो मैंने मांगा वो सेंड कर दो, बाकी मैं वेरीफाई करके जो करूंगा। आप क्यों डर रहे हो? मैं अगर वेरीफाई करना चाहता हूँ आप क्यों डर रहे हो? मैं वो लोन एग्रीमेंट तो साइन कर दूंगी, बट मैं एक एक बात बता दूं, जो फ्रॉड करती थी ना कंपनियां वो बंद हो गई चलो हैं सर, ये कंपनी फ्रॉड नहीं करती इसीलिए आपको फ्रॉड नहीं कॉल कर करते रही एक है, ठीक है लेकिन ना। ये मैं अपनी उसके लिए चेकिंग करूंगा ना मैम, आपको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं अपनी वेरीफाई के लिए मैं अपने लिए करूंगा। अभी यहाँ अपनी इतने एग्रीमेंट दिन हुए साइन कर दो दूंगी चार ना, और सही, ठीक है, मैं वेरीफाई करने के बाद ही करूंगा। बाकी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप देख लो, नहीं आपको तो वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर मैं आप तो लीगल लोन हो। एग्रीमेंट साइन कर दूंगी, उसके बाद जो एक्शन ले जी रहा हूँ कंपनी एक्शन लेगी, अगर उसकी हाँ 10 मिनट पेमेंट आपकी नहीं आती है ना कोई ना, तो दस कॉल मिनट के बाद नहीं, ये तो करके मैं वेरीफाई के बाद जो एक्शन लेना आपको लीजिए, ठीक है, सीधी बात है करेंगे जी। सर, ठीक आप है कोई ना। बात नहीं, कोई ना, आप लोन जो एक्शन लेना लो आप, उसके बाद अपने पापा ही पेमेंट करेंगे सर, कोई ठीक बात नहीं, उनसे भी है ले ना। लेना, वो कल अच्छे से बात हुई, आज उनसे भी सुन लेना आप, जो आपने हाँ गलत उनसे भी उससे सुन बात लूंगी की सर, है ना, वो भी कोई ना, वो आपको उनसे चेक भी देंगे काट के, आपके वो पापा से भी सुन लिया जाएगा सर, आपको चेक करेंगे ठीक काट है। के। अब ठीक है ठीक है, ओके ओके। वेबसाइट, अब मैं लोन एग्रीमेंट साइन नहीं करी, आप वेबसाइट साइट करिए पहले, उसके बाद आप पेमेंट लोन करिएगा, ठीक है। एग्रीमेंट सेंड कीजिए जो है, फिर उसके बाद जो होगा एनबीएफसी का नाम सेंड कीजिए मुझे, आप व्हाट्सएप पे अभी कीजिए, व्हाट्सएप पे नहीं होगा, आपकी मेल आईडी पे जाएगा, ठीक है मेल ना। आईडी भी कर दो, कोई बात नहीं, वहां पे सेंड करो, अभी करो, अभी के अभी, ठीक है।